जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार ने साफ किया कि जिन बुजुर्गों की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से अधिक है, केवल उनकी पेंशन रोकी गई है। इससे नीचे वाले की 3.5 लाख आय वालों को भी केवल उन्हीं की पेंशन रोकी गई है जिन्होंने परिवार पहचान पत्र में PP में अपने हस्ताक्षर करके अपनी आय घोषित की है। अगर किसी बुजुर्ग को यह लगता है कि रिकॉर्ड में उसकी आय अधिक दिखाई गई है तो वो दस्तावेजों के साथ उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने का मौका भी दे दिया था, जिसके बाद जो गलती सुधारी जाएगी उसे वेरीफाई कराया जाएगा। सरकार विधिवत रूप से पेंशन की पात्रता के लिए सालाना आय दायरा बढ़ाने जा रही है। लिमिट कितनी होगी उसका अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में 1,80,000 रुपये वार्षिक तक कमाने वाले बुजुर्ग लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलता था। दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हम आप लोगों को हरियाणा की एक से बढ़कर एक खबर बताते रहें।